बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है। इस बीच इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने उन तमाम लोगों को झटका दिया है जो लोग जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने या उन आंकड़ों को लेकर सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आपको विस्तार से हम इस वीडियो में बता रहे हैं। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो राज्य सरकार की किसी भी सरकार के नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस सुनवाई से पहले बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति सर्वे का आंकड़ा जारी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर बिहार सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी, यानी कि अगले साल होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी के बेंच ने मामले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार किए बिना जाति गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए। साथ ही कहा गया कि ये डेटा गैर कानूनी तरीके से इकट्ठे किए गए और डेटा जुटाने का कोई वैध उद्देश्य भी नहीं। इस पर कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी किसी चीज पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं। हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार के नीतिगत फैसलों पर रोक नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। हम दूसरे मुद्दे की जांच करने जा रहे हैं कि इस गणना को कराने के लिए राज्य सरकार के पास शक्ति है या नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि मामले में पटना हाई कोर्ट का आदेश बहुत विस्तृत है कि पॉलिसी के लिए डेटा क्यों जरूरी है। आंकड़े अब सार्वजनिक हो चुके हैं। कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने की याचिकाकर्ता की मांग पर भी आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि बिहार सरकार ने कोर्ट की सुनवाई के बीच आंकड़ा जारी कर दिया। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने बिहार सरकार से पूछा कि आपने डेटा क्यों प्रकाशित किया। इस पर बिहार सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील श्याम दीवान ने कहा कि कोर्ट को अभी यह तय करना था कि वो इस मामले में नोटिस जारी करेगी या नहीं। उन्होंने दलील दी कि इसका मतलब ये है कि कोर्ट की तरफ से डेटा पब्लिश करने पर कोई रोक नहीं थी। इससे पहले जाति सर्वे के मामले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट में कहा गया था कि राज्य सरकार को जातिगत जनगणना कराने का अधिकार नहीं है। 1 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जाति सर्वे कराना वैध है और पूरी तरह से कानूनी है। फिर पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में गए। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बिना कोई आदेश जारी नहीं करेगा। इस बीच 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जाति सर्वे का आंकड़ा जारी कर दिया। तो इसी मामले पर विवाद है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इस बीच आपने आंकड़े क्यों जारी कर दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले साल होगी। बाकी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।